दबंग पूर्व ग्राम प्रधान करा रहा है ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। जहां एक तरफ सरकार ग्राम समाज की जमीन को भू माफियाओं से खाली करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दबंग पूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह चंदेल के हौसले इतने बुलंद हैं कि ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला कानपुर देहात अकबरपुर के चौकी रनिया के अंतर्गत ग्राम पचेरा 8 का है। मौके पर पहुंचे संवाददाताओं से पूर्व ग्राम प्रधान ने की अभद्रता तथा ग्राम समाज की जमीन की जानकारी जब लेखपाल से की गई तो लेखपाल ने बताया कि मुझे इस कब्जे की कोई सूचना ही नहीं है। पूर्व ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान होकर गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताई। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कुछ चंद भ्रष्ट ग्राम प्रधानों व कर्मचारियों की वजह से सरकार की नीतियों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात से अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है, हमको इंजन ले जाना पड़ता है खेती सींचने के लिए। खेत है, इंजन जगह चाहिए, जानवर बनते हैं, ट्रैक्टर जाने के लिए हमारी भी जगह है पीछे घेरे हुए। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसी समस्या यहाँ पे खड़ी है, जैसे आपका ट्रैक्टर या इंजन नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, क्या क्या कार्य वहाँ पे हो रहा है? जगह चाहिए, निर्माण हो रहा है, पूछ रहे हैं आपसे। वो लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं? राकेश और कौन बना रहा है? बलराम बना रहे हैं। उनसे कहा जाता है तो कहते हैं। कभी आपने अपने पास के जनप्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे कहा कभी? उनसे कहोगा है, लेकिन क्या जवाब देते हैं आपसे? दबंगी से बोलते कहते बनने दो, बनने दो। कौन है ग्राम प्रधान आपका? तो आज जैसे आपने अभी हमारे समक्ष बात की, क्या कहा आपसे, क्या 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 शासन दिया आपने ग्राम प्रधान ने, क्या दिया आप लोगों को? शासन दिए बता के वो करने क्या बता ठीक है। अरे नौकरी जगह दिलवा रहे हैं सर, नौकरी जगह दिलवा रहे हैं। तो क्या चाहते हो आप, संतुष्ट हो उस पर? संतुष्ट नहीं, 10% संतुष्ट है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद पाल। कहाँ है? पचेरा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि निकलने के लिए पीछे मकान बने हुए हैं कुछ, तो वहाँ पे एक मकान निर्माण हो रहा है, मकान निर्माण हो रहा है वहाँ पे। आगे कुछ सवाल हो गए श्री राकेश कुमार सनाप छोटेलाल जो अपना मकान बना रहे हैं, और वो जीएस में मकान बन रहा है अवैध कब्जा में, ना उनका वहाँ पे पट्टा है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे निकलने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही है। वो जितना जगह थी वो पूरी जगह बंद कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों को निकलने के लिए परेशानी होगी, हम लोग कैसे निकलेंगे, ना वहाँ पे ट्रैक्टर या कोई कुछ निकलने के लिए जगह नहीं है। और सर खेती के पीछे खेती पर नहीं है। आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जिस लैंड पे निर्माण कार्य हो रहा है, क्या वो जीएस लैंड है? वो जीएस लैंड का कार्य चल रहा है। क्या आप लोग पट्टे हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे मेरे पट्टे हैं। आगे जो आप जो बना रहे हैं सर प्रेजेंट टाइम में मकान का निर्माण कर रहे हैं, उनका कितना पट्टा है? उनका पट्टा है 125 वर्ग गज। कितने निर्माण कर रहे हैं वो? कम से कम 400 तो इसकी बात कभी शिकायत की आपने उच्च अधिकारियों से? अरे हमने अभी 100 नंबर डायल किया था, तो आए तो बोले SDM साहब को फोन करें जी, तो SDM साहब के यहाँ जाओ, तो हमने कहा ठीक है SDM साहब के यहाँ जाएंगे अभी लग। और प्रधान जी आए थे तो वो हमारा उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज करने लगे आगे, बोलेंगे कौन है प्रधान जी आप? प्रधान जी हैं माननीय श्री शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह कहाँ रहे? ग्राम पंचायत 8 के रहने वाले हैं। हमने उनसे कहा तो वो बोले ये सब तुम क्या कर रहे हो, मीडिया बुला रहे हो, ये फालतू काम क्यों कर रहे हो? तो बोले ये सब काम मत करो, जहाँ बन रहा है बनने दो। तो हमने कहा तुम अपने कागज दिखाओ, यदि तुम्हारे यहाँ से कागज होंगे तो तुम अपना बनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, यदि कागज नहीं है यहाँ के तो पहले बात जगह तो ढीलनी पड़ेगी, कागज हो या ना हो जगह तो तुम निकलने के लिए लोगों को देनी पड़ेगी। नहीं, क्या लगता है आपको कि ग्राम प्रधान क्या इन लोगों से पैसा लेकर के? ग्राम प्रधान हमें लगता है इन लोगों से पैसा लेके तभी तो विपक्षी पार्टी की तरफ उल्टा सीधा बोलते हैं और उनसे काम कह रहे हैं कि काम करो तुम, मतलब पूरी सेटिंग के साथ। हाँ, पूरी सेटिंग के साथ में वो काम करा रहे हैं, बोल रहे हैं उनसे कि तुम काम करो। इसकी शिकायत क्या लेखपाल या SDM महोदय से कभी की आपने? अभी नहीं की है। नहीं की है ना।